गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और यू ऑल बेटा, कैसे हैं सब? ठीक हैं? गुड, शाबाश। आप लोग अपना काम कर रहे हैं बेटा, अपना रीड कर रहे हैं, पाबंदी के साथ क्लास लें। आज वीकेंड है बेटा, ठीक है? आज वीक की हमारी लास्ट क्लास है, इस्लामियत है। और आज क्या है बेटा? टुडे इज़ फ्राइडे। फ्राइडे इज़ द गुड। मेरे बच्चों को पता है फ्राइडे क्या है? छोटी ईद। सब ने अच्छे से नमाज़ पढ़नी है, ठीक है? दुआ मांगनी है, अच्छा अच्छा पढ़ना है, और सबके लिए दुआ मांगनी है, ठीक है ना बेटा? और दुरूद शरीफ पढ़ना है कितने टाइम? 100 टाइम। ओके, सब बच्चे ये करेंगे मेरे। ओके, याद है ना बेटा क्लास में करते थे? ऐसे ही करेंगे अपने अपने घरों पे, ठीक है? और बेटा आज हम इस्लामियत का हमारा लेक्चर है बेटा। इस्लामियत में हम रीडिंग करेंगे आज, ठीक है? रीडिंग भी करेंगे, काम भी करेंगे। मैं आपको काम भी दूंगी, काम भी करेंगे, कॉपी वर्क, ठीक है जी? निकालिए। अच्छा, इस्लामियत में बेटा आप लोगों की, कुछ बच्चों की ना थोड़ा सा चेंज है बुक, ठीक है? पेज नंबर चेंज हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा। सबक का नाम है हज, ठीक है? बुक खोलिए, सबक का नाम है हज। मेरे पास 60 है, आपके पास जो पेज नंबर है वो निकालिए, ठीक है? हज का, हज इस्लाम का अहम रुकन है। रीडिंग करेंगे हम आज हज की, ठीक है जी? हज इस्लाम का अहम रुकन है। इस्लाम के रुकन आपको पता है ना, 5 अरकान हैं इस्लाम के: रोज़ा, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। हज इस्लाम का 5वां रुकन है, इस्लाम का अहम रुकन है। हज इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक साल के आखिरी महीने में किया जाता है। आखिरी महीने में किया जाता है, साल के आखिरी महीने में। कौन सा महीना होता है वो? ज़िलहज का महीना। कौन सा? ज़िलहज। इस महीने का नाम ज़िलहज है। हज करने के लिए सारी दुनिया के मुसलमान मक्का मुकर्रमा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मक्का मुकर्रमा जाते हैं, जहाँ खाने काबा है। हज ज़िलहज के महीने में 8 से 12 तारीख को होता है, ठीक है? कब होता है ज़िलहज के महीने की? 8 से 12 तारीख को, ठीक है? टर्न योर पेज जी। फिर है, हज करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? हमें एहराम बांधकर हज की नियत करते हैं। इस ख़ास लिबास को कहते हैं क्या? एहराम। एहराम इस ख़ास लिबास को कहते हैं जो हज करने से पहले बांधा जाता है, ठीक है? एहराम किसे कहते हैं? जो हज करने के लिए ख़ास तौर पे बांधा जाता है। आपने देखा होगा वाइट कलर का एक चादर होती है, 2 चादरें होती हैं जो बांधते हैं, ठीक है? हज के दौरान और उम्रे के दौरान, ठीक है? हज करने वाले सबसे पहले खाने काबा का तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को कहते हैं। तवाफ़ किसे कहते हैं? खाने काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाने को तवाफ़ कहते हैं, ठीक है? एहराम बांधने के बाद मुसलसल तलबिया पढ़ा जाता है। तलबिया क्या होता है? तलबिया यानी जो अल्फाज हम पढ़ते हैं हज के दौरान घूमते हुए, यानी चक्कर लगाते हुए। तलबिया के अल्फाज ये हैं, देखिए टानिया पेज: लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमद वन्नियमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये आप हज की जो अल्फाज होते हैं चक्कर लगाते हुए हम पढ़ते हैं, ठीक है? खाने काबा का चक्कर लगाते हुए हाजी पढ़ते हैं। तलबिया का मतलब लब्बैक कहना होता है, जिसका मतलब है मैं हाजिर हूँ। क्या मतलब है? जिसका मतलब है मैं हाजिर हूँ। तवाफ़ के बाद सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के नाम हैं, इनके दरमियान तेज़ी से चलने को सही कहते हैं। सही 7 मरतबा की जाती है। इसके बाद तमाम लोग मना चले जाते हैं। मना एक मकाम का नाम है जिसमें हज करने वाले ठहरते हैं, ठीक है? मना से दूसरे दिन तमाम लोग अरफात चले जाते हैं। अरफात एक मैदान है जहाँ लोग सब लोग अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगते हैं। मगरिब होते ही अरफात के मैदान से मुज़दलफ़ा चले जाते हैं। मुज़दलफ़ा एक पहाड़ी इलाका है जहां रात गुजारना हज का एक हिस्सा है। इस जगह से शैतान को मारने के लिए कंकरियां उठाई जाती हैं, ठीक है बेटा? उसके बाद टर्न योर पेज, देखिए आपने यहाँ पे पिक्चर भी बनी हुई है सारी ना, खाने काबा और मुख्तलिफ जो मैंने बताया अभी आपको, मुज़दलफ़ा, अरफात, ये सब मकामात बताएं, ठीक है? तीसरे दिन सुबह होते ही मना में वापस आ जाते हैं। जमरात पर शैतान को कंकरियां मारते हैं। मना में एक जगह पर 3 सतून बने हुए हैं।
इन सतूनों को जमरात कहते हैं। इसके बाद कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी यानी हम लोग अपने अपने घरों पे भी करते हैं, ठीक है ना। हज की भी एक अहम फ़राइज़ में शामिल है कुर्बानी, ठीक है। मर्द अपने सर के पूरे बाल उतरवा देते हैं और ख़वातीन अपने कुछ बाल कटवा देती हैं। फिर अहराम उतार कर गुसल करते हैं और आम कपड़े पहन लेते हैं। इसके बाद मना में 2 या 3 दिन अल्लाह की इबादत के लिए ठहरते हैं। इसी दौरान खाने काबा जाकर तवाफ़ ज़्यारत करते हैं। तवाफ़ ज़्यारत हज का ज़रूरी हिस्सा है। ये तमाम काम करने के बाद हज मुकम्मल हो जाता है। ये सारे काम अरकाने हज कहलाते हैं, ठीक है। इसमें सारे अरकाने हज बताए गए हैं आपको किस तरह हज करते हैं, ठीक है। आप लोग देखते भी होंगे टीवी पर, ठीक है, जब हज होता है आप लोग देखते हैं ना, मैं भी देखती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना। और ये पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, जो हज के दौरान हम लोग पढ़ते हैं और ये अपने घरों में भी पढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहलाती है वो, तलबीहा, ठीक है, तलबीहा पढ़ते हैं, ये वाली पढ़ते हैं ना, गुड जी। अब आप लोगों को समझ में आ गया बेटा हज, इसके सवाल जवाब, इसके मुश्किल अल्फाज, जो इसकी खाली जगह और इसका टाइटल आपको बनाना है कॉपी पर अच्छे से, ठीक है। देखिए इसका टाइटल बनाना है आपको सबसे पहले, ठीक है, टाइटल बनाना है, हज की हेडिंग डालनी है। सबक नंबर 11 है ये, मुख्तसर जवाबात हैं, इसके मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। ये मैं आपको सेंड कर दूंगी बेटा कॉपी वर्क, ठीक है। ये फिर सवाल जवाब है, तफसीली जवाब है, खाली जगह है इसकी, मुनासिब अल्फाज चुनकर खाली जगह मुकम्मल करें। ये पूरा चैप्टर आपका आज सबक कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। ये अपनी कॉपी में सफाई से बहुत अच्छा सा लिखना है, ठीक है, अपनी राइटिंग में, किसी से काम नहीं करवाना, खुद लिखना है। राइटिंग इम्प्रूव करें घर में बैठ के, अच्छा, ठीक है। अपना ख्याल रखें बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।